सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह एक नए विवाद में फंस गए हैं। भाजपा विधायक ने एक जेई के ट्रांसफर को लेकर अधीक्षण अभियंता को फोन पर जमकर गालियां दी और धमकी भी दी। अधीक्षण अभियंता ने भाजपा विधायक के खिलाफ बलिया सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवा दी है। अपराध मुक्त यूपी बनाने का दावा करने वाली योगी सरकार के विधायक किस कदर बेलगाम होते जा रहे हैं, ये देखने को मिला बलिया जनपद में। बैरिया विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने विधानसभा के जेई का ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हुए अधीक्षण अभियंता रामकिशोर को फोन किया। वायरल ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि अधीक्षण अभियंता भाजपा विधायक से बता रहे हैं, जब प्रदेश के ज्यादातर जेई हड़ताल पर हैं और कार्य नहीं कर रहे, तो ऐसे में उनका ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। इतना सुनते ही भाजपा विधायक आग बबूला हो गए और अधीक्षण अभियंता को गंदी गालियां देते हुए नतीजा भुगतने की धमकी दे डाली। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। ऐसे साहब ये बताइए कि किसी काम को आप कई बार कहने पर करते हैं, क्या हो गया सर? मैं आपसे कहा कि इस जेई को हटाना है, अब तक हटाए को नहीं है? ये सर ये आंदोलनरत है सर, इससे ये और बिगड़ जाएगा मामला ना सर। क्या बिगड़ जाएगा? ये बिगड़ जाएगा, ये आंदोलनरत है। आंदोलनरत है, आंदोलनरत का मतलब है आंदोलन का मतलब है जब विधायक की शिकायत है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश से मतलब हमको नहीं है, हमको भी अपने यहाँ से मतलब है। जब मैं आपको कई बार कह चुका तो आप इसका मतलब आप चाहते हो कि एकदम बेइज्जत हो जाओगे क्या? तो जिस दिन मिल जाऊंगा सुन लो एससी, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा हरामजादे। तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो कि मीना मान रहा एक दिन कल से नहीं करते हो तुम। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। माननीय विधायक जी बैरिया श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी वहाँ बैरिया में तैनात कवर जनता का स्थानांतरण कर रहे थे, क्योंकि इस समय वर्तमान में अगर नेताओं के लिए वो चल रही है वर्ष पर रूल धरना वगैरह वगैरह, उनके संगठन का काम चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यवस्था बनी रहे जिले की, आदमी अनावश्यक डिस्टर्बेंस नहीं करता है, क्योंकि वो संगठन के लोग खुद ही कार्य से एक तरह से विरत हैं। तो वही मैंने उनसे कहा था, तो उस पर वो भड़क गए और फोन पर गाली गलौज करने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। बस ये मामला है। तो हम लोग कार्रवाई तो नहीं कर सकते हैं, अपनी वेदना हमारे साथ क्या हुआ वो वेदना हमने जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हमने FIR दे दी है। हमारे पास रिसीविंग है, वो DD में चढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं मुझे जानकारी नहीं है।